हेलो एवरीवन। तो हम बनाने जा रहे हैं आज तुराई की सब्जी। रात का खाना बनने जा रहा है, तुराई की सब्जी बनेगी और बनेगा रायता। रायता बनेगा आज लौकी का, पापा की फरमाइश है। और तुराई भी पापा अभी लेके आए हैं तो बोला तुराई की सब्जी बना लो, रायता बना लो, तो बने रहिए आप लोग। और अभी हम बनाने जा रहे हैं, सिंपल तरीके से बनाते हैं तुराई की सब्जी, तो वैसे ही हम आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज और लहसुन ले लिया है, और घर का पिसा हुआ जो नमक मैं पीसती हूँ ना, लाल मिर्च, आपने मेरी हर वीडियोस में देखा होगा, उसको मैं डालूंगी आज। तो फिर बने रहिए। तो यहाँ पे मैं तुराई की सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो मस्टर्ड ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। मेरे वहाँ सब्जी मस्टर्ड ऑयल की ही बनती है ज़्यादातर। और तो तुराई की सब्जी बनाऊंगी जैसे आप लोगों को मैंने बताया ही बताया, सिंपल तरीके से। तो गाइस प्लीज़, चैनल पे न्यू आते हो ना तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग का तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और मुझे इस टाइम पे जुकाम हो रखा है, तो मेरी वॉइस आपको थोड़ा सा चेंज ही लग रही होगी, गला मेरा इस टाइम पे पड़ा हुआ है। तो मैं, पापा बोल रहे थे कि मुझे लौकी का रायता बना दो, क्योंकि पापा के दाढ़ में काफ़ी टाइम से दर्द हो रही है। वो जब से हरिद्वार गए हुए थे, मैंने आपको एक बार ब्लॉग में बताया ही बताया था, हरिद्वार से जब से आए तब से उनको दाढ़ में दर्द हो रखा है। तो पापा कम से कम 1-1.5 हफ्ते से कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो बस दलिया या खिचड़ी वगैरह ले पा रहे हैं और कुछ भी नहीं खाते। रोटी तो बिल्कुल उनकी छूट ही गई है, इस वजह से उनका रायता बोल रहे थे बना दो लौकी का, तो मैं शायद रायता ही खा लूँ आज। उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था दांत में, तो दवाई तो वो रेगुलर ले ही रहे हैं, लेकिन फिर भी दर्द पता नहीं क्यों दांत की, वो दाढ़ की जा ही नहीं रही है। उनके दाढ़ में दर्द हो रही है दोनों तरफ से, तो एक तरफ से खाते तो एक तरफ नहीं हो रही होती, तो एक तरफ से ही खा लेते, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ पे मेरा जो घर का बनाया हुआ नमक है ना, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और मेरे वहाँ अक्सर इस नमक से बहुत सारी सब्जियाँ बन जाती हैं, जैसे आपको मैंने बताया ही है कि आप जितनी भी हरी सब्जी भी बना सकती हैं और इस वाले नमक से। तो जब घर में पिसा ऑलरेडी रखा रहता है तो फटाफट सब्जी बन भी जाती है। तो यहाँ पे सब्जी सारी काट के भाभी ने रख दिया था, और मैं यहाँ पे बस ये ऐड कर दूँगी, फिर उसके बाद सब्जी भी ऐड कर दूँगी और ढक दूँगी। बस सिंपल सी है, बहुत टेस्टी लगती है, रोटी चावल सभी के साथ अच्छी लगती है। तुराई की सब्जी इसी कढ़ाई में मैं बना लूँगी, फिर अभी लौकी का रायता भी। तो बनी रहिए आप लोग प्लीज़, एंड तक रहना और ब्लॉग आपको अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि नमक सारा एकदम मिक्स हो जाएगा, और इसको मैं अच्छे से ढक दूँगी बस। और अभी बस जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है पकने में, और पक जाती है हमारी ये सब्जी। उसके बाद हम आप लोगों को मिलते हैं और फिर बात करते हैं सामने से आके। तो गाइस सब्जी मैंने छौंक दी है और इसको बस 5 मिनट लगेंगे, पक जाएगी और थोड़ा सा पका लेंगे और ऐसे भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर सब्जी हमारी परफेक्ट बन जाएगी। उसके बाद इसी कढ़ाई में मुझे रायता भी बनाना है, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, गर्मी काफ़ी है। अभी लौकी मतलब कद्दूकस करने को पड़ी है, कद्दूकस नहीं करेंगे, ऐसे चाकू से ऐसे ऐसे करके बनाएंगे। अनिका पढ़ाई कर रही है तो बने। तो गाइज यहाँ पे मेरी तुराई पक चुकी है, लेकिन तुराई से जितना पानी निकला हुआ है ना, इसको हल्का सा मुझे जला देना है, यानी कि अभी इतना पानी नहीं अच्छा लगेगा सब्जी में ना, पानी पानी सी लग रही थी। तो इसको थोड़ा सा और हम पका लेंगे, फिर उसके बाद देन उतार लेंगे। फिर मैंने सब्जी मेरी परफेक्ट बन गई थी, फिर मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया, उसी कढ़ाई में मैं बना लूँगी। और रायता बनाने के लिए मैंने सूखे मिर्च लिए, जीरा और हींगे मेथी है, इतना है। और बहुत ही टेस्टी लौकी का रायता लगता ही लगता है, और लहसुन है, भूल गई थी मैं बताना आपको। आप चाहें तो पहले छौंक सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी छौंका लगा सकते हैं, जब आपकी आप दही में मिक्स करते हैं लौकी को, फिर भी छौंका लगता है ही लगता है, लेकिन बहुत लोग पहले ही लगा लेते बाद में ऐसे लौकी को ठंडा होने के बाद। और उसको बस
बन जाती है। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, मैं तो हर तरीके से बना लेती हूँ। और पापा को मेरे लौकी का रायता बहुत ही पसंद आया था, बोल रहे थे बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने लौकी का रायता। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद था, उनको रायता खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। लौकी का और बूंदी का मैं अक्सर बनाया ही करती थी उनके लिए। तो मैं बना रही थी ना, तो अपने बाबू को मिस कर रही थी, क्योंकि होता है ना जब हमारे हस्बैंड का कुछ भी फेवरेट मैं बनाती हूँ या उनको पसंद होता था, प्यार से खा लेते थे, वो चीज़ें याद आ जाती हैं ना। होता है, चाहे जितना भी ना याद करने की कोशिश करो फिर भी याद आती ही रहती हैं, वो चीज़ें जाती नहीं हैं हमारे जहन से बिल्कुल भी। तो मैं ज़्यादा मिस कर रही थी उनको कि आज होते तो मैं बना रही थी, तो खाते तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। और तो यहाँ पे मैं लौकी ऐड कर दूँगी और नमक ऐड करके इसको भी ढक दूँगी अच्छे से, और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। पे हमने लौकी का रायता भी छौंक दिया है और पक जाएगा, उसके बाद हमें दही में ऐसे इसको मिला लेना है, छौंका लगा देना है। आप चाहे तो लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी पहले लगा ही दिया है, लेकिन जैसा आपका मन करे वैसा बनाओ। और मैं जैसा बनाती हूँ वैसा आप लोगों को दिखा रही हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना आप देख सकते हो हमारे फेस पे, और पूरी फैमिली वहाँ बैठी हुई है। यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, मम्मी हैं, भाभी हैं, पापा हैं, अनिका थी। और यहाँ पे हमारी लौकी बन चुकी है, बस इसको हल्का सा मुझे भूनना है, जो पानी हल्का हल्का सा आपको दिख रहा होगा उसको हल्का सा बस जला देना है और इसे ठंडा कर लेना है। डायरेक्ट हमें दही में ऐड नहीं करना है, नहीं तो दही फट जाएगी। तो हम हल्का पंखे के पास ले जाके इसे ठंडा कर लेंगे। और दही हमने पहले ही फ्रिज से निकाल दिया था और इसको अच्छे से फेंट लिया था, और दही हमारी है ये, और मैं इसको ठंडा कर लाई हूँ, हल्का सा गुनगुना है। और मैं इसमें ऐड कर दूँगी लौकी को, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद देन मैं दोबारा से एक बार चौका जीरा से लगाऊँगी, और उससे मुझे लगता है ना हल्का सा टेस्ट और आ जाता है। और मैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों को उसी तरीके से दिखा रही हूँ। और फिर सबकी थालियाँ लग जाएंगी, सब लोग खाना खा लेंगे, और बस तो बनी रहिए आप लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो लौकी का रायता मेरा परफेक्ट बन गया है। मैंने चौका जीरे से लगा दिया है, कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा लौकी का रायता। मैंने सबको दिया, पापा ने बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ भी करी ये रायता खा के। तो अनिका स्कूल से आ गई हैं और अपने सॉक्स कितने प्यार से उतार रही हैं, सारा स्कूल से वो सीख के आई हैं।
और मैम ने बोला था कि अपना काम अपने आप से ही करना, मम्मा से नहीं। जहाँ मम्मा सॉक्स रखती हैं वहीं पे सॉक्स रखना, और अपनी यूनिफॉर्म भी अपने आप से ही निकाल के रखना है ना। ये अपनी ये क्या बोला था मैम ने? मम्मा से कुछ नहीं। और नोजी क्या बोला? नोजी भी निकाल के उधर फेंकना है। देखा अनिका अपने सॉक्स अपने आप से निकाल रही, यूनिफॉर्म भी अपने आप से ही निकालेंगी। बोल रही है मैम ने बोला है कि सारे काम आपको खुद से करने हैं, और जैसे मम्मा करती है वैसी जगह पे आपको रखने हैं। तो सही बात है, क्योंकि बच्चों को अपन करना चाहिए। तो अनिका मेरी वहीं पे रख रही है जहाँ पे मैं रखती थी। रख लो। और ये मार्क्स नहीं निकाला? मार्क्स भी वहीं पे। गुड गर्ल है मेरी अनिका, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। फिर मैं यहाँ नेक्स्ट डे क्यों रोने लग गई गाइस? मैं बहुत देर से परेशान थी, मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। मैं अपने ससुराल को, अपने शिवम जी के घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। उनकी बहुत ज़्यादा मुझे याद आ रही थी। तो मैं काफ़ी टाइम से परेशान थी, लेकिन मेरे आँखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि आपको पता है ना, पितृपक्ष चालू हो गए हैं। तो बस पता नहीं क्यों मेरा अंदर से बहुत ज़्यादा अजीब सा मुझे लग रहा है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं किसी से कोई बात शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं किसी को अपने वजह से घर में परेशान नहीं करना चाहती, बस इसलिए। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में बैठी और अकेले अपने सोचे जा रही थी, रोए जा रही थी। फिर खुद को, कहते हैं ना, जब रो लेते हैं थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिल गया गाइस। और सॉरी, आपको भी रुलाया होगा मैंने, आप लोग प्लीज़ मत रोइएगा। और मैं परेशान थी बस इसलिए। और गाइस, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय माता दी।